फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के प्रति आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो और अगर हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है इस दुनिया की जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने से रोक सके। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है और दृढ़ निश्चय है तो आप अपने लक्ष्य को पाते पाते एक भिखारी से राजा भी बन सकते हैं। और यही अगर इसका उलट बात करें, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं है, तो आज आपके पास में हो सकता है कि बहुत सारे संसाधन हों, बहुत सारी सुविधाएं हों, बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन वो सभी धीरे धीरे आपसे जी चुराने लगती हैं और आपसे दूर जाने लगती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय की जो सकारात्मक एनर्जी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। सो हमेशा अपनी इच्छा शक्ति को सकारात्मक बनाए रखें, दृढ़ निश्चय को अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि यही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ को और ज्यादा आसान और ज्यादा सुखमय बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसे अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इसकी वजह से हम हमारे शरीर पर आने वाले जो अनचाहे बाल हैं उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। और अगर ये अनचाहे बाल आ भी गए हैं तो इनकी जो ग्रोथ की जो स्पीड है उसे कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके शरीर पर भी अनचाहे बाल हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर जो डाइट के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हें ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए ताकि आप अपने आप को अनचाहे बालों से मुक्ति दिला सकें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम अनचाहे बालों की बात करते हैं या अनवांटेड हेयर जिसे हम कहते हैं, तो इनके आने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है हमारे शरीर में होने वाला हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे शरीर के अंदर अगर हार्मोन्स का असंतुलन हो जाए, इसका मतलब कि वो हार्मोन्स जो कि किसी भी महिला के शरीर में एक लिमिटेड अमाउंट में होने चाहिए, जब वो एक उस लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो उसके शरीर पर अनचाहे बाल आने लगते हैं। दोस्तों, महिला हो या पुरुष, हर एक के शरीर के अंदर हार्मोन्स हैं और हार्मोन्स में भी विशेषकर अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो महिलाओं में ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि उन्हें मातृत्व का सुख देता है, जो कि उन्हें फेमिनिटी देता है, और टेस्टोस्टेरोन भी हार्मोन होता है जो कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में उनके अंदर पाया जाता है। पुरुषों के अंदर अगर बात करें तो पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में अनचाहे बाल होते हैं, उनके शरीर की जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, उनकी आवाज़ भारी होती है, उनकी चाल थोड़ी सी महिलाओं से अलग होती है। और पुरुषों में भी ईस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है जो कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है, लेकिन अगर यहाँ पर महिलाओं के अंदर होने वाला ये थोड़ी सी मात्रा का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब ज़्यादा होने लगता है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगेगा। अब क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है, एक पुरुषत्व को दिखाने वाला एक हार्मोन है, जिसकी वजह से उसके लक्षण महिलाओं के शरीर पर भी दिखाई देने लगते हैं। तो जैसे पुरुषों को दाढ़ी आती है, मूंछ आती है, बहुत सारे शरीर पर बाल होते हैं, बिल्कुल वैसा भी महिलाओं के साथ में होने लग जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे शरीर पर अनचाहे बाल हैं तो हमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करना है और ईस्ट्रोजन हार्मोन को हमें इंक्रीज करना है, जो कि महिलाओं वाला हार्मोन है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब कम होगा? जब नेचुरली हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होगा। तो हमें अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जिनकी वजह से हम अपने शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिड्यूस करके ईस्ट्रोजन हार्मोन्स को बूस्ट कर सकें। अब वो कैसे होगा? तो पहली जो चीज़ आती है दोस्तों हमारी डाइट के अंदर, वो आती है सोयाबीन।
सोयाबीन जो है इसके रेगुलर कंजप्शन की वजह से, इसके लगातार प्रयोग करने से, इसको डाइट में अच्छे से शामिल करने से हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, और जैसे जैसे ये ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ती जाएगी टेस्टोस्टेरोन अपने आप कम होता जाएगा, आपके अनचाहे बाल धीरे धीरे पतले होंगे, कमज़ोर होंगे, झड़ जाएंगे, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। सोयाबीन की जब हम बात करते हैं तो सोयाबीन की आप दाल ले सकते हैं, सोयाबीन से बना आप पनीर जिसे हम टोफू कहते हैं वो ले सकते हैं, सोयाबीन मिल्क आप ले सकते हैं जिसको सोया मिल्क कहा जाता है, और आप सोया चंक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रोज़ अपनी डाइट में थोड़ी मात्रा में इन चारों में से कोई भी एक चीज़ ज़रूर शामिल करें। नंबर दो, दूसरी जो चीज़ आती है दोस्तों वो हमारे रूटीन में जो हमें शामिल करनी है, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाती है, वो आते हैं हमारी दालें। और दालों में भी विशेषकर अगर मैं बोलूं तो जो हरी जो साबुत मूंग की जो दाल होती है जिसको साबुत मूंग कहा जाता है, जिसे स्प्राउट्स करके खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हफ्ते में एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब लगभग तीन दिन हफ्ते में ज़रूर लगभग एक कटोरी भर के स्प्राउट्स ज़रूर शामिल करें। ये स्प्राउट्स आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिड्यूस करेंगे, आपके शरीर के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन को इंक्रीज करेंगे, और जैसे ही ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करके ईस्ट्रोजन को इंक्रीज करेंगे, आपका जो अनवांटेड हेयर का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। नंबर तीन जो चीज़ दोस्तों हमारे रूटीन में हमें शामिल करनी है वो है सीड्स। कुछ विशेष प्रकार के बीजों को अगर हम अपने रूटीन में शामिल करते हैं, ये बीज हमारे शरीर के अंदर जाकर कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में होने वाले जो हार्मोन्स का असंतुलन है वो बैलेंस होने लगता है, और जैसे ही ये असंतुलन बैलेंस होगा हमारा शरीर अपने आप ही अनचाहे बालों को कमज़ोर करेगा और उन्हें कमज़ोर करके झाड़ देगा, उनकी ग्रोथ कम कर देगा, जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से अनचाहे बालों से छुट्टी पा सकते हैं। नंबर चार और नंबर लास्ट जो बहुत ज़्यादा सटीक भी है वो है हमारे रूटीन में लहसुन के दूध का प्रयोग। अगर हम रोज़ रात को सोते समय एक ग्लास दूध लेकर उसमें तीन से चार कलियाँ लहसुन की छोटे छोटे हिस्से काट करके अगर अच्छे से उबालते हैं और उबालने के बाद अगर उसे रोज़ रात को सोते समय पीते हैं तो हमारे शरीर में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो इंक्रीज होता है, हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है, और हमारा शरीर जो है वो अपने आप हार्मोन्स को बैलेंस करने लगता है। रात के समय क्योंकि हमारी बॉडी रिकवरी मोड में होती है जिसकी वजह से हमारा शरीर नेचुरली अपने शरीर को ठीक करने के प्रयास कर रहा होता है, ऐसे समय पर अगर आप अपने शरीर में ये लहसुन वाला दूध अगर डाल करके सोते हैं, दूध पी के सोते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये चारों चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अब पूछेंगे सर कोई भी एक कर ले तो चलेगा। देखिए, अगर आप एक चोर को पकड़ना चाहते हो और आपके घर से उस चोर के निकलने के चार रास्ते हैं, तो आपको चारों की तरफ से ही हमला करना पड़ेगा। अगर आप एक तरफ से हमला करोगे वो दूसरी तरफ से भाग जाएगा। इसलिए अगर आप अपने हॉर्मोन्स को सेटल करना चाहते हो आपको सारी डायरेक्शंस पे काम करना पड़ेगा, तभी आप अपनी बॉडी के हॉर्मोन्स को बैलेंस करके उनको ठीक कर पाओगे, अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। नंबर दो, आपका जो सवाल आता है इसे हमें कितने समय तक करना है, देखिए हर एक का शरीर अलग है, हर एक के शरीर का रिस्पॉन्स अलग है, तो बिल्कुल ये नहीं बता सकते कि आपके शरीर में कितने दिन में रिजल्ट आएगा। हो सकता है दो महीने लग जाए, हो सकता है दो साल भी लग जाए, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, कोई केमिकल नहीं है, कोई सिंथेटिक मटेरियल नहीं है। सो सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है और इस सोच के साथ इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है, ये चीज़ें मेरे शरीर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। अगर आप ये सोच के साथ इस चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल करेंगे आप देखेंगे कि असर हो रहा है। नहीं सोचा और नेगेटिव रहे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होता भी है कि नहीं होता, पता नहीं डॉक्टर साहब ने झूठ तो नहीं बोल दिया, तो ये जो सोच है अच्छी चीज़ों से आने वाले रिजल्ट्स को भी नेगेटिव कर देती है। नंबर तीन, इसे हम कौन सी एज से स्टार्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप 15 से 16 साल की एज से स्टार्ट कर सकते हैं और इसके आगे जो भी आपकी एज है वहाँ तक आप इसे ईजीली फॉलो कर सकते हैं। कोई भी परेशानी की या किसी भी तरह के परहेज़ की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से ही ये चैनल आज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है।
आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।